तो नेक्स्ट ईयर होने वाला है रेसलमेनिया 38, तो डेफिनेटली यहाँ पर भर भर के हमें ऑडियंस आती हुई नजर आएगी, क्योंकि माना ऐसा जा रहा है कि WWE एक्सपेक्ट कर रही है यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा फैंस। और रेसलमेनिया 38 का कौन सा मेन इवेंट होने वाला है इसको लेकर एक बार फिर से कुछ बड़ी न्यूज आ चुकी निकलकर सामने, क्या जो लेजनर और ब्रॉक का रीमैच है वहां पर होगा या फिर कोई ट्रिपल थ्रेट मैच वगैरह होने वाला, तो उसके बारे में करने वाले हैं बात। साथ ही में WWE अपने सिर्फ रेसलमेनिया 38 में नहीं बल्कि ऑलमोस्ट आने वाले सभी रेसलमेनियाज के अंदर एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज लाएगी। रिसेंटली रॉक एक चैंपियन ने भी चैलेंज कर दिए एज को कि भैया अगर उन्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए तो उनके लिए एकदम तैयार है वो बंदा। साथ ही में वॉल्टर को भी किया जा रहा है अभी से एडवर्टाइज मेन रोस्टर की एंट्री के लिए, और लग ऐसा रहा कि काफी जल्दी वो स्मैकडाउन के रोस्टर का पार्ट होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पहले शुरू करने वाले रेसलमेनिया के साथ में, और रेसलमेनिया 38 नहीं बल्कि आने वाले सभी रेसलमेनियाज के साथ में। और रिसेंटली इसको लेकर कुछ बड़ी न्यूज आई है सामने कि WWE कुछ बड़े मेजर चेंजेस करने वाले अपनी रेसलमेनिया की ट्रेडिशन के अंदर। वैसे होता क्या था पहले वाले टाइम में क्या मैं आज से अगर 2-3 साल पहले की बात करूं, वहां पर रेसलमेनिया 1 नाइट का इवेंट होता था और रेसलमेनिया WWE का शोज ऑफ द शोज माना जाता है, यानी कि भाई सबसे बड़ा जो इवेंट है पूरे साल के अंदर वो रेसलमेनिया ही होता है। यहां पर ड्रीम मैचेस होते हैं, यहां पर कुछ बड़े बड़े ऐसे मैचेस होते हैं जो कि शायद कभी कभार आपने सोचे नहीं होंगे WWE में हो पाएंगे। और ये थी मेरी निंजा टेक्निक, टॉपिक से थोड़ा अलग जाओ और थोड़ा वॉच टाइम और गेन करो, लेकिन सीधा मुद्दे पे आते कि रेसलमेनिया के अंदर कौन सा आने वाला टाइम में बड़ा चेंज आने वाला। तो हमने देखा जो इस ईयर का रेसलमेनिया था और जो नेक्स्ट ईयर का रेसलमेनिया होने वाला, और उससे जो पिछला रेसलमेनिया था यानी कि जो लास्ट के आई गेस 3 रेसलमेनियाज मैं कह सकता हूं, वो 2 नाइट इवेंट थे, यानी कि एक जो रेसलमेनिया वो Day 1 में हुआ था और एक Day 2 में हुआ था। और माना जा रहा है जो WWE है अब वो ये मान के बैठ गई कि भैया ये जो ट्रेडिशन है हम लोग आने वाले हमेशा के लिए कंटिन्यू करेंगे, अब जब भी रेसलमेनिया होगा वो 2 नाइट शो होने वाला है, यानी कि भाई 2 पेपरव्यूज आपको लगातार हमेशा WWE के हर साल दिखाई देंगे जिसे हम रेसलमेनिया कहने वाले हैं। अब इसको लेकर क्या आपको ओपिनियन, क्या आपके हिसाब से रेसलमेनिया को हमेशा के लिए 2 नाइट इवेंट कर देना एक WWE का सही डिसीजन है या फिर नहीं? माना जा रहा है बैक स्टेज के ऊपर जो WWE के सुपरस्टार्स वगैरह वो उससे काफी खुश हैं। इससे 2 फायदे होने वाले हैं, रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज के ऊपर आप अपने बहुत से मैचेस बुक कर सकते हो, उन सुपरस्टार्स को मौका मिल सकता है जिन्हें आप एक्चुअल में बुक तो करना चाहते हो लेकिन भैया जो कार्ड है वो ऑलरेडी फुल हो जाता है, तो इसे वहां पर उन सुपरस्टार्स को तो हेल्प मिलने वाली। लेकिन आपके हिसाब से क्या ये सही डिसीजन है, क्या फैंस इसे खुश होंगे या फिर नहीं? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। और रिसेंटली एज को भी मिल चुका एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हमारे करंट रॉ के चैंपियन जो कि हमारे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डेमियन प्रीस्ट, और रिसेंट मंडे नाइट रॉ में लगा ऐसा कि उनका हील टर्न होने वाला है। होता है कि रिसेंट टाइम में उनका इंटरव्यू होता है, इस इंटरव्यू के अंदर वो बात करते हैं रॉ के पूरे न्यू रोस्टर के बारे में, किस तरीके से काफी अच्छे अच्छे उनके लिए अपोनेंट आ चुके हैं, जिगलर हैं, रॉबर्ट रूड हैं, रे मिस्टीरियो हैं, डोमिनिक हैं, और वो कहते हैं शायद सुनने में थोड़ा आपको अटपटा टाइप लगेगा लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो एज है वो आने वाले टाइम में मेरा US टाइटल का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करते हुए नजर आए। वो कहते हैं मैं जानता हूं कि जो एज अभी फिलहाल मुझसे काफी ज्यादा ऊपर लेवल पर है लेकिन ऐसे फेस करना मेरा एक ड्रीम मैच है, और अभी फिलहाल मैं और जो एज है हम दोनों एक ही ब्रांड के अंदर ऊपर से मैं चैंपियन हूं, तो भैया अगर एज तुम्हें कभी भी US टाइटल की अपॉर्चुनिटी चाहिए तो डेफिनेटली यहां पर मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, क्यों ना तुम जल्दी से जल्दी एक बार फिर से वापस आओ और मुझे आकर चैलेंज करो इस US टाइटल के लिए। क्या आपके हिसाब से अच्छा मैच होने वाला है, क्या आपके हिसाब से WWE को डेमियन प्रीस्ट और एज के बीच मैच दिखाना चाहिए या फिर नहीं? अब मुझे नहीं ऐसा लगता कि एज एक्चुअल में डीथ्रोन करने वाले हैं डेमियन प्रीस्ट को, क्योंकि भाई कोई भी लेजेंड सुपरस्टार किसी भी न्यू अपकमिंग स्टार को या फिर जो फ्यूचर स्टार है WWE का उसको जल्दी हराने नहीं वाला, स्पेशली उसे डीथ्रोन तो बिल्कुल भी करने वाला नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये मैच ना हो तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो डेमियन प्रीस्ट को पुश मिलेगा वो अलग चीज है, लेकिन जो अगर एज के फैंस भड़केंगे कि भैया एज हमें डेमियन प्रीस्ट से हारते हुए नजर आए और उन्होंने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को हराया, तो वो चीज थोड़ी गड़बड़ी टाइप हो जाएंगी, डेमियन प्रीस्ट को नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा। इससे अच्छा भैया आप उनके खिलाफ मैच ही ना करवाओ, किसी हील बंदे के खिलाफ मैच कराओ ताकि अगर डेमियन प्रीस्ट हरा भी दें तो डेमियन प्रीस्ट को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आए। और हाँ, अगर डेमियन प्रीस्ट को अगर आपको हील बनाना है तो जरूर मैं ये मैच देखना चाहूंगा। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, और इस बार ये वॉल्टर के बारे में जुड़ी है। अब जिन लोगों ने NXT UK देखा होगा उन्होंने वॉल्टर के मैचेस देखे होंगे, आई नो उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि भैया वॉल्टर कितने ज्यादा कमाल के सुपरस्टार्स हैं। वो थोड़े हैवी वेट टाइप से जरूर है देखने में लेकिन भैया उनके एक्शंस देख के आपको ऐसा बिल्कुल लगने वाला नहीं है, स्पेशली जो उनका चॉप पड़ता है ना लगता है ऐसे कि भैया पूरे इंडिया में नहीं बाहरले देश तक जो आवाज़ है वो पहुंच चुकी है। वैसे बाहरले देश की आवाज़ इंडिया में आती है लेकिन चलो बाय द वे घुमा फिरा के नहीं, सीधा बात करते हैं कि वॉल्टर को किस तरीके से WWE ऑलरेडी ये बात टीज कर रहे हैं उनकी मेन रोस्टर में एंट्री होने वाली है। तो जो होता है कि WWE क्या करती है वो अपने ऑफिशियल जो वेबसाइट वगैरह उसके ऊपर ये बात अनाउंस करते हैं कि भैया नेक्स्ट मंथ एक बार फिर से हम लोग UK टूर के लिए जाने वाले हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है जो अपने वॉल्टर हैं वो UK का ही पार्ट है, तो WWE क्या करती है यहाँ पर अपना जो रोस्टर है वो एडवर्टाइज करती हुई नजर आती है, और जो ऑलमोस्ट पूरा रोस्टर है वो स्मैकडाउन का रोस्टर है, बस फिन बैलर को यहाँ पर ऐड किया गया है, क्योंकि आप जानते हो फिन बैलर की जो
यूके के अंदर पॉपुलैरिटी वो इंसेन लेवल के ऊपर है। और यहाँ पर फिन बैलर को मेरे हिसाब से इसलिए एडवर्टाइज किया जा रहा है, लेकिन एक जो थोड़ा सरप्राइज नाम लगा मुझे एडवर्टाइज वाला वो वॉल्टर का नेम था। उसका स्क्रीन शॉट आप लोग देख पा रहे हो, फिन बैलर हैं, शेमस है, जिंदर महाल है, नाकामूरा है, रिक बूग्स है, और वॉल्टर का जो नाम है वो यहाँ पर एडवर्टाइज किया जा रहा है। तो लगे ऐसा रहा कि WWE ये बताना चाहती है कि भैया मेन रोस्टर में उनकी काफ़ी ज़्यादा जल्दी एंट्री होने वाली है। अब वो एंट्री कब होगी बाद में कन्फर्म कह तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मेन रोस्टर के अंदर लाइव इवेंट्स में कम्पीट करना उनके बिहाफ से जरूर काफ़ी बड़ी चीज़ है। और क्या आप लोग देखना चाहोगे वॉल्टर को काफ़ी जल्दी स्मैकडाउन के रोस्टर के अंदर या फिर नहीं? क्या आपके हिसाब से WWE का ये अच्छा और सही डिसीजन होने वाला है? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की जो हमारी फाइनल अपडेट है ये रेसलमेनिया 38 के बारे में जुड़ी है। आजकल मेरा ध्यान वीडियोस पे लग नहीं रहा, मुझे पता कमेंट के अंदर यही आएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अब बाय द वे सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं, मुद्दे वाले भैया बात यह है कि जो रेसलमेनिया 38 और WWE का नेक्स्ट ईयर का एक बहुत बड़ा शो होने वाला है। शो ज्यादा शो इसलिए तो कहलाता है रेसलमेनिया, ऊपर से जो नेक्स्ट ईयर का रेसलमेनिया होगा यानी कि रेसलमेनिया 38 वो एक बार फिर से एक टू नाइट इवेंट शो होने वाला है। अब बात आती है मेन इवेंट मैच के बारे में, टू नाइट इवेंट शो होगा तो डेफिनेटली यहां पर दो मेन इवेंट हमें दिखाई देंगे। और माना जा रहा है एक जो पॉसिबली मेन इवेंट अभी फिलहाल कंसीडर हो रहा है वो ऑफ कोर्स रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का रीमैच होने वाला है। यानी कि जो लोग ये बात एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी रॉयल रंबल के अंदर या फिर डे वन पीपीवी में लेसनर वापस आ जाएंगे, तो माना ऐसा जा रहा है उसके चांसेस होने के भी फिलहाल थोड़े कम है, क्योंकि WWE क्या चाहती है कि ये जो बड़ा फ्यूड है क्यों ना हम लोग रेसलमेनिया के अंदर बुक करें, क्योंकि इससे क्या होगा उन्हें ईजी ये पड़ जाएगा भैया रोमन का रेसलमेनिया का अपोनेंट मिल ही गया, और ऊपर से लेसनर को भी हमें बुक करने की एक सही सी स्टोरी लाइन मिल गई। और ज्यादा कुछ इसको लेकर हाइप करने की WWE को जरूरत है नहीं, जिस तरीके से क्राउन ज्वेल की एंडिंग है ऊपर से इन दोनों का जो पूरा फ्यूड है, केमिस्ट्री है, जो WWE के अंदर इनकी पूरी हिस्ट्री है, वो इनफ है इस मैच को पूरे तरीके से पंप करने के लिए कि भैया पूरा सोल्ड आउट हो जाएगा अरेना अगर रोमन ब्रॉक का रीमैच एक बार फिर से वहां होता है। और यहां पर चांसेस ये बढ़ जाएंगे कि रोमन डीथ्रोन होने वाले हैं और लेसनर हमें न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आए, क्योंकि ऑलरेडी अगर उस टाइम रोमन रेंज चैंपियन रहते हैं तो लेसनर की जो स्ट्रीक है हम उसे ब्रो करते हुए नजर आएंगे। तभी फिलहाल भाई ये वो कुछ बातें जो कि मैं आपको बता सकता हूं जो कि बैक स्टेज के ऊपर डिस्कस हो रही है रेसलमेनिया 38 के एक मेन इवेंट को लेकर। क्या आपके हिसाब से रोमन वर्सेस ब्रॉक रेसलमेनिया में होना चाहिए या फिर इस मैच को WWE को पहले रॉयल रंबल में करवा देना चाहिए और उसके बाद कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न करके ट्रिपल थ्रेड फेटल फोर वे मैच बना के रोमन और ब्रॉक को सेम मैच के अंदर रखे WWE आने वाले टाइम में चीजों को बुक करना चाहिए? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की वाली वीडियो बस यही तक थी, खत्म कर देते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे वीडियो को बता बता कर मैं हमेशा थक गया, और एक बार फिर से बता देते हैं लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। लाइक सॉरी ओवर एक्टिंग होगी, 50 रुपये मत काटना, लेकिन हाँ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय। क्या कर रहा हूँ यार मैं, टेक केयर।